किस इंसान ने बड़ा खूब कहा है कि बेटियां जो होती हैं वो किस्मत से पैदा होती हैं। हालांकि हमारे समाज में भी बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो बेटियों को बोझ मानते हैं, लेकिन ये खबर शायद नजरिया बदल दे। सिंगापुर में बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू यादव का आज ट्रांसप्लांट हुआ है और ये किडनी ट्रांसप्लांट जो है ये सफलपूर्वक हुआ, लेकिन बड़ी बात यह कि इसमें इनकी बेटी रोहिणी ने अपनी किडनी दी है। फिलहाल लालू यादव और उनकी बेटी दोनों पूरी तरह सुरक्षित हैं, लेकिन इस खबर ने तमाम लोगों को एक मौका दिया उन बेटियों को नमन करने का जिन्हें अक्सर हम थोड़ा कम आंकते हैं। फिलहाल पूरा परिवार जो सुबह से ही ईश्वर में पूजा पाठ में लगा हुआ था, चाहे वो तेज प्रताप की बात कर लीजिए, लगातार वो तो रुद्राभिषेक कर रहे थे, तेजस्वी की बात कर लीजिए, वो भी अपने पिता की सेहत पर नजर बनाए हुए थे, मीसा भी नजर बनाई हुई थी, लेकिन कुल मिलाकर ये ट्रांसप्लांट पूरी तरह सफल रहा। लालू यादव के पास अब 3 किडनियां हो जाएंगी और इसके पीछे डॉक्टर्स का तर्क है कि जो किडनी खराब होती है उसे निकाला नहीं जाता है। इस ग्राफिक्स में आपको ये भी दिखा रहे हैं कौन कौन सी वजह है जिस वजह से किडनी ट्रांसप्लांट होता है या आपके ये तमाम समस्याएं होती हैं, कौन कौन डोनेट कर सकता है उसके लिए आपकी दोनों किडनी स्वस्थ होनी चाहिए, आप पूरी तरह स्वस्थ होनी चाहिए, ब्लड ग्रुप मैच करता तो अच्छी बात है, नहीं करता तो भी एक दो कंडीशन है, लेकिन कुल मिलाकर यह खबर जो है ये समाज में उन लोगों की आंख खोलने वाली है जो बेटियों को कम आंकते हैं या बेटियों के पैदा होने पर उस तरह से जश्न नहीं मनाते हैं जैसा बेटों के होने पर मनाते हैं। क्योंकि माँ बाप जब मुसीबत में आते तो अक्सर देखा गया है कि बेटे फिर भी साथ छोड़ देते हैं लेकिन बेटियां अंत तक साथ निभाती हैं।